ये क्या कर रही हो? पेंट हो रहा है बेटा, पेंट करते हैं क्योंकि जो हमारा फिल्टर था हमने फिल्टर करवा दिया क्योंकि पानी सही नहीं आ रहा इस वजह से। तो क्या करवाओगे अब? तो ये वाला भरना, हमने वाला फिल्टर लगा लिया ऑटोमेटिक वाला। ये ऑटोमेटिक है? हाँ ऑटोमेटिक फिल्टर है हमारा, वो ऐसे कोई है। और ये जो सीलन से उतर रही है सारी सफेदी, मतलब आज के बाद हमें फिल्ट बिना फिल्टर के रहना पड़ेगा। हाँ भैया आज तार लेके फिल्टर वाला, उसको फिल्टर का क्या था, अगर तुम पानी उसका पियो या ना पियो हमें फिर भी 700 रुपये रेंट उसका देना है। तो इस वजह से हमने, क्योंकि अली की तबीयत खराब हो गई थी, माँ कह रही पानी गंदा आ रहा था, इससे करो हमने फिर ये चीज जार ले आए थे हम और दूसरे की बोतल खरीद ली हमने, इसलिए हमने वो फिल्टर उतरवा दिया था। और हमने यहाँ भी पेंट करते थे सारा पेंट होता था, अभी यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ कर रही थोड़ा सा, अभी हमने पेंट करा था सारा घर गंदा हो गया, मैंने फिर भी देख लिया। भैया बताए कितना पैसा लेंगे आप? हम लेंगे 10,000। इतना तो है भी नहीं, सिर्फ ये दीवार ठीक करने के लिए। अच्छा क्या बना रही हो मम्मी? मैं बना रही हूँ भोग के लिए प्रसाद, ये थोड़ी किशमिश है, ये थोड़ा काजू है, और इधर मैंने तेल लिए चावल बना दिए हैं क्योंकि तुझे रोटी नहीं दूंगी, तेल लिए घिया बनाया मैंने, ठीक है। और डैडी अच्छा मैंने पराठे खा के गए हैं, मिक्कू के पनीर का पराठा बना है, गणपति के पनीर का पराठा बना है, सबके अलग अलग डिमांड है देखो। और ये लाई हूँ मैं शुद्ध देसी घी, बनाती हूँ फटाफट। ये कैची देख ले, ऐसा नाक बिना कट रही, सारी कैची खराब पड़ी तुम लोगों ने। थोड़े से ड्राई फ्रूट कर लेते हैं फ्राई, फ्राई करके और उसके बाद फिर फटाफट करेंगे तैयारी। कल डाल थोड़ी किशमिश, हल्की से फ्राई कर लेंगे किशमिश। ये पहले गणपति की तरह सूंघने आता, देख रहे थे इसको जरा, ये कभी ना फ्राई में क्या बना रही हो? ऐसे सेवैया तो बनती नहीं, इतने टेस्टी सी लग रही है। अलग तरीके से बना रही बेटा, इतनी खुशबू आ रही है। दूध
दूध उबाल लेते हैं। थोड़ी सी हम दूध लगे है ना। हाँ। आप लोग भी ट्राई मार के देखना, बहुत अच्छा भोग बनता है इसका। डाल दिया मैंने इसके अंदर और अच्छे इसमें उबाल आ जाए। उसके बाद फिर ये चीज़ें, अभी थोड़ा काजू डाल देते हैं इसके अंदर, इसमें डालेंगे हम काजू डाल देते हैं क्योंकि थोड़े ये मैगी ब्राउन जी करें ना थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे, मतलब वो बनने का इंतजार करते हैं इसके अंदर। देखा नहीं उनको ना गन गन का भोग उठा के लेके आया, देखते भी जाते लेते ऐसे लोग करेगा तो पूरा खाएगा ही। तो फिर उठा के ले आया ऐसे खराब हो रहा था इसलिए मैं, और इसे पूरा नहीं खाया ना फिर बताऊंगी उसे। ये जो भोग होगा तू खा लेगा कोई बात नहीं, लेकिन तू पूरा तो फिनिश करा कर उसको, वो खराब हो रहा था। अच्छा देख लो देखे उनको गणपति के पास कुछ भोग है नहीं, देख कर जरा ये सारे ठाकर ले आए दिखा दे फिर भी एक बार। इसमें अच्छे से उबाल आ गया, अब डाल देंगे इसमें किशमिश और सर्व लेना, इसमें घी है ना देखो सारे को ले बाद में डालेंगे लास्ट में खांड बाद आ जाएगा इसमें। ओ अली गैस तो बंद हो गई, ये गैस एकदम से बंद हो जाती है यार। ये चावल कितने से उबल रहे और क्या है, इसमें डाल देते हैं, ज़्यादा मीठा ना करूँ ना। खिलाते रहो कम से कम 5 से 10 मिनट से हमें पकाना है इस तरह कम आज को। ये देखो 10 से 15 मिनट हो गए अच्छे से पकते हुए, बस इसे बंद कर देती हूँ अब और थोड़ी ठंडी होगी, इसके बाद फिर हम भोग लगाएंगे। थोड़ा यहाँ गणपति के लिए, थोड़ा आंटी के यहाँ गणपति रखे उनके लिए जाएगा भूख। ये देखो मैं खाना बना रही हूँ इधर, और ये देखो नलायक क्या कर रहे हैं। मिप को एली मिको तुम्हारा पेपर ना गलत कैंसिल हुआ आज, और रात के 12 बजे से हाँ बारिश हो रही है, देखो रात के बारिश 12:30 बजे से बारिश हो रही है, अभी तक बंद नहीं है बारिश, क्या हाल है। और इसी वजह से इन लोगों का पेपर कैंसिल हो गया। कहाँ भेज रही है इसे? अरे एली क्यों मिक्को क्या कर रहा है तू? इसे मत दो कुछ भी खाने के लिए। मिक्को मैं पिटाई कर दूंगी, पानी गिर गया यहाँ पर, अभी सफाई करी सारी मैंने। मिको वो बॉटल लगा गिर गया ना बेटा, सारे में पानी पानी हो जाएगा सारे में भी। मिको जी ने भोग लगा लिया। मिको कैसी बनी सेवैया? और थोड़ी सी बन सकती थी तो भाई भोग के लिए बनाई है ना, बाकी रखी हुई अंदर। ये ली अपना घी और चावल खा रही है और अभी लगाए दोपहर का भोग, सकराना बोलते हैं जिसे, चावल बूरा और घी गणपति जी खा रहे हैं। और ये अली इमली देख ली देखो, और मिक्को तेरे चक्कर में ना किसी दिन बहुत चोट लग जाएगी मुझे, हर जगह से ये देखो जरा कमेरा कुछ काम मत कर। तेरा काम क्या है? बस खाने का काम है, मुंह सन रहा था चुप से। मैं तो सुन ना सुन रहा सुन गई लस्सी
मैंने पिया दूध ना लस्सी। मैं अब सेमनी बना के आई हूँ। ये 2 बजे भग गया शाम का काम करने के लिए। ये दिया क्यों बंद कर दिया? दिखाना आई थी मैं तो, दिया बंद कर दिया। मैं दिया दिखाती। ये दिया पिछले साल लाए थे अंकल, और अंकल को याद आया अब कि हमारे यहाँ दिया भी रखा है। कितना प्यारा दिया लग रहा, देखो ये गणपति जी के साथ। है ना ये दूध वाला लड़का। अब कहाँ जाते चार डब्बे लेके? और ये आंटी पड़ गई, कल आंटी का बीपी हाई हो गया था, आज ही आराम फरमा रही है। और ना करा ना कुछ भी, कोई दही बल्ले टिक्की विक्की कब बनाओगे तुम? कल कल होगी आंटी एक्टिव, आज आंटी लिटी हुई। बड़ा पाव बेटा उसकी चटनी बनेगी, देखते हैं अगर बनाया तो हमने। हाँ रतन नहीं जाऊंगी शाम को बाजार में। अच्छा रह दिया देखो घूमते हुए। मैं पूरे संग बत्ते ऐसे बजेगा नहीं बेटा, रख दे इसको। ओ संग ऐसे नहीं बजता, इसकी प्रैक्टिस होती संग बजने की। जब दादू शाम को बजाएंगे ना, जब पूछो उनसे रख दे, चल रख दे ऐसे ठाके मुझे बिल्कुल नहीं। बताने में कुछ ये जा रही है, जाके आई थी अभी आंटी की तबियत निकले। आजकल बिजी लड़की है भाई, ये उन्हें देख अंशी ने क्या पहन रखा है। ले ले शाम को रखा शाम को किस टाइम आएगी तू? याद कर लेंगे किस टाइम आएगी? अरे चावल चाय डाल दिए डब्बों में, और गिलास कहाँ जो टपाया तूने? वही रखा, ये ऊपर ही निकला, बीच में निकला, पकड़ो से ये बत्तोरा। और एक चीज और दिखा दो, देखो ये आंटी है जो ढोलक बजा रही है, ये अंकल है जो पियानो बजा रहे हैं। ये रखा था आंटी के पास 100 पीस। ये कहाँ से लेके आए? कितने बढ़िया लग रहे हैं देखियो, गिफ्ट। और वाकई में अंकल पियानो बजाते, देखो अंकल को बहुत शौक है गाने बजाने का। हाँ और चेहरा भी अंकल का ही लग रहा भाई, सुंदर लग रहा है दोनों बैठे थे, कितने बढ़िया। सारा रा 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 अरण में कूद पड़ी माँ काली। अरे यहाँ सजा दो आंटी से एक जगह पे, और सुंदर लगेंगे दोनों ये बैठे हुए देखना। राम मिलाए जोड़ी हो रही है कतई। ट्यूशन का टाइम बच्चों का, ट्यूशन छोड़ने जा रहे हैं इनको, बाहर हो रहा है मौसम खराब बिल्कुल। क्या करेगी 10 रुपये गली? चल मिकु आ, पैन लेगी क्या? तो पैन में दुकान खुल रही है अभी, मम्मी चलनी है। चल बारिश आने वाली तेज आएगी भाई। ट्यूबलाइट खराब हो गई अभी किचन की, और इनसे लगवा रहे हम मिस्त्री साहब से। मिस्त्री इलेक्ट्रीशियन, ये देखो बैठे बिठाए खर्चा आता है फालतू का, जिसका कोई सर पैर नहीं है। ये लाइट है यहाँ पर, और एक ये रही, ये टॉर्च जला रही है, दिखा रही है अपने पापा को। एक वो है उसे कोई होश नहीं है, वो अपने ब्लॉक्स में लगा हुआ है। तो और ट्यूबलाइट देखो जरा, ये छोटी भी क्या बोलते 220 की, बड़ी भी 220 की, और बिल्कुल छोटा साइज है वो भी 220 की। ऐसे क्यों साइज क्यों करते हैं लोग?
पता नहीं अहले को देख लो, हाथ करने में भी टेंशन हो रही थी ज्यादा। टेप ये नहीं, टेप अरे ये नहीं चलेगी भाई। टेप कौन सी, टेप तो है भी नहीं, ब्लैक वाली लॉन्ग टेप फिर ये पता नहीं चलेगी नहीं, तो अंदर घुसड़ना है इसको तार को सारे। हाँ कभी करंट ना आ जाए तो पूछ के आती हूँ मैं चिंकी पे। हर क्या यूं ब्लैक टेप चिंकी के यहाँ से, क्योंकि अगर व्हाइट टेप लगाएंगे तो उसमें करंट ना आ जाए कभी ना। लटक गई ऐसी क्लास दो भाई असिस्टेंट। ये हो चुकी है हमारी लाइट ठीक, और रोशनी कितनी बढ़िया आ रही है। पहले वादी खराब हुई है पूरी, रोशनी बढ़िया आ रही है। देखो हाँ नहीं सही आ रहा है। देख मैं बना रही हूँ फ्राई आलू। अब जब मैं कढ़ाई चढ़ाई है मसाले के लिए, और एक बार के मैं फ्राई आलू कर लिए। देखो अच्छे से फ्राई हो गए हैं। फटाफट तैयार कर लेते हैं, मैं दिखाऊंगी कैसे बने हैं मेरे फ्राई आलू। ये हमारे फ्राई आलू बन के तैयार हैं। बस में हरा धनिया डलेगा और बहुत सुंदर लग रहा है।